प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। ह्यूस्टन में इस वक्त माहौल पूरी तरह से मोदीमय हो गया है। महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, वहीं 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। नोएडा के परिवहन विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया है। हेलमेट न पहनने पर एक बस चालक का चालान काट दिया गया। विभाग के मुताबिक ड्राइवर ने ड्राइविंग करते समय हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए उसका 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद अब पीड़ित ड्राइवर इस मामले को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार से बच्चों और महिलाओं सहित उन लोगों का ब्यौरा मुहैया कराने को कहा है जिन्हें 5 अगस्त के बाद से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने राज्य के बाहर जेलों में बंद लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन पर लगभग सहमति बन गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि 2 दिनों के भीतर दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा हो जाएगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि गठबंधन में सीटें उसी फॉर्मूले पर बटेंगी जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग में फाइनल तय किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई, जिसमें 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई गई है। 1 अक्टूबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। वहीं काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को 2 करोड़ से कम टर्नओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए कूच किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सीमा को सील कर दिया था, वहीं आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। पदयात्रा में शामिल किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, वहीं ईवीएम और वीवीपैट को इन्हें डबल लॉक में रखा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार और उनके साथी एक निश्चित सुरक्षित दूरी से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर निगाह रख सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने जीरो बैलेंस पर दी जाने वाली सुविधाओं को और बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक एसबीआई ने बदलाव किए हैं। नई सुविधाएं लेने के लिए ग्राहकों को केवाईसी के नियम पूरे करने होंगे। वहीं जीरो बैलेंस खाता धारक को डेबिट कार्ड तो मिलेगा ही, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आईफा अवार्ड 2019 में अपने पर्पल लुक को लेकर चर्चा में रही। अपने ग्लैमरस लुक की तस्वीरें दीपिका पादुकोण ने इंस्टा पर शेयर, जहां दीपिका की एक तस्वीर को देख फैंस उनके प्रेग्नेंट होने का अनुमान लगा रहे हैं। इस तस्वीर में दीपिका जिस पोज में खड़ी है उनका टमी दिख रहा है, जिसको लेकर फैंस के सवालों की बौछार शुरू हो गई है और उन्हें बधाई तक दे रहे हैं।